हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा करीबन 2.5 साल पुराना जीजी प्लांट। और जब मैंने इसे परचेज़ किया था ना, तो इसका प्राइस था 220 रुपये। और उसी समय मैंने इसे छोटी सी बाल्टी में ये लगा दिया था। और ये थोड़ी सी मैंने बजरी तैयार की है, थोड़ा सा काउडंग कंपोज और जीजी प्लांट का जो सॉयल होगा उसको मिला के मैं इसका सॉयल मिक्स तैयार करूँगी। अभी इसको निकालने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इसका एक बाल्टी है ख़राब हो चुकी है और इसके राइजोम्स भी ऊपर से दिख रहे हैं। नहीं तो तभी से निकालना चाहिए जब पॉट पूरी तरह से भर जाए। तो देखिए, मैंने सोचा था कि थोड़ा खोल के मैं दिखाऊंगी, बट इसको निकालते ही अपने आप डिवाइड हो गया। करीबन इसको मैं 4 गमले में लगाऊँगी, तो ये तो डिवाइड ही हो गया। और देखिए, इसके राइजोम्स जो बड़े बड़े हैं एकदम आलू की तरह, उसमें ना वाटर भरा हुआ है। ये ना, अगर आप इस प्लांट को 20 दिन तक पानी न दें तब पर भी ये चलेगा, क्योंकि ये सेल्फ वाटरिंग प्लांट है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत कम मात्रा में पानी डालें। देखिए, इसीलिए मैंने इसमें बजरी और मेरा जो मेन सॉयल मिक्स है, मेन सॉयल है इसका जीजी प्लांट का, वो दोनों बराबर में ही हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें काउडंग कंपोस्ट भी मिला दिया है। तो इसे मैं इन चारों क्ली पॉट में मंगाऊंगी, और ये क्ली पॉट काफ़ी खूबसूरत है। और फिर इसमें मैं ये छोटे छोटे ईंट के टुकड़े डाल दूँगी ताकि पानी आराम से निकल जाए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि जब भी जीजी प्लांट लगाएं, छोटा सा लाए ना, तो उसको एक बड़े गमले में रखें और पानी बहुत कम डालें। और देखिए, मैंने ऐसा ही सॉइल मिक्स उस बाल्टी में तैयार किया था, इसीलिए तुरंत डिवाइड हो गया ये। और सच बताऊँ, मैं मेरा जो छोटा सा पौधा आया था सिर्फ वो 220 रुपये का था, और ये तो काफ़ी अब 4 हो गए हैं, तो अच्छी बात है। और देखिए, अकॉर्डिंग टू बल्ब मैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं गमले में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये मिट्टी भी इसके अंदर डाल दी है, तो काफ़ी अच्छा है। जीजी प्लांट बहुत सारे घरों में लगता है और ये दिखने में काफ़ी यूनिक लगता है, और सराउंडिंग एरिया भी बहुत क्लीन रहती है। तो अपने घर में जीजी प्लांट ज़रूर लगाएं। बाय बाय।